से उठाएं समंदर का पानी, पड़त दर पड़त एक किस्सा बयां है। यह शेर साहित्यकार, कवि, कथाकार, अंग्रेजी और हिंदी पर समान अधिकार रखने वाले डॉक्टर देवव्रत अकेला पर सटीक बैठती है। आज बिहारी लाल चैनल के लिए मैं प्रमोद नारायण मिश्र, मेरे साथ डॉक्टर देवव्रत अकेला बैठे हैं, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालेंगे। अकेला जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि आप अंग्रेजी के विद्वान रहे, फिर हिंदी के प्रति इतना आकर्षण कैसे हुआ? मेरे पिताजी हिंदी साहित्य के अच्छे विद्वान थे, वे रामायण, महाभारत, गीता हमको पढ़ के सुनाया करते थे। इसलिए माता पिता के गुणों को हमने अर्जित किया है। अंग्रेजी की रोटी मैं खाता हूँ, लेकिन हिंदी भाषा के प्रति मेरे मन में वैसा ही सम्मान है, हिंदी भाषा के प्रति वैसा ही सानिध्य है। और मैं अपने बाबा, माता, पिता सबों को मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, अपने दादा को प्रणाम करता हूँ जो मुझे हिंदी का अखबार पढ़ने के लिए बचपन में कहा करते थे और मैं पढ़ के उनको सुनाया करता था, और वे देखते थे कि मैं शुद्ध शुद्ध पढ़ रहा हूँ या नहीं। तो इस तरह बचपन से ही हिंदी भाषा के प्रति मेरे मन में एक अगाध प्रेम की सर्जना हुई। इस शहर में बहुत ऐसे साहित्यकार हुए जिन्होंने राष्ट्रीय छवि पाई, इन साहित्यकारों में सबसे अधिक आपको प्रेरित किसने किया या आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे? मैं जानकी दास शास्त्री के यहाँ बराबर मैं जाया करता था निराला निकेतन में, और उनसे भी मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिली। एक बार की घटना है कि मैं उनके साथ रिक्शा पर जा रहा था, तो मैंने उनको पान दिया खाने के लिए, पान के बड़े शौकीन थे, तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं पान नहीं खाता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के रथ ही नहीं है, जब विद्यार्थी के रथी हो जाएंगे तब पान खाएंगे, अभी पान नहीं खाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह मैंने कई मौकों पर मैं उनके द्वारा मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, बहुत मैं ऊर्जावान महसूस किया अपने आप को उनके द्वारा जो मुझे इधर पक्ष भी चल रहा है और उनके प्रति आपकी श्रद्धा भाव है, बहुत अच्छा लगा। अब अपने बारे में बताइए कि अभी तक कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी और कितने सम्मान मिल चुके हैं? मेरी कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं जिसमें जैसे कि फूल ही उगाएंगे, माँ मुझे मत मारो, इंसानियत एवं मन्ने कविताएं, लालू लाठी और लालटेन, जिसका लोकार्पण रघुवंश राव ने किया, जो है ना, जो अब दुनिया में नहीं रहे, करमवीर नीतीश भी मैंने की रचना भी, नीतीश जी के ऊपर भी मैंने लिखी। मैं सामाजिक, राजनैतिक, हर तरह की किताबें मैंने लिखी, और मेरा उद्देश्य है कि समाज वर्तमान समाज की कठिनाइयों को या सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम बराबर लिखते रहे, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा, जो समाज के अंदर जो मैंने देखा उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने कुर्सी एवं अन्यानी किताब भी लिखी, तो देखा कि कुर्सी के द्वारा क्या क्या अनाचार अत्याचार लोगों के ऊपर हो रहे हैं। पैसा पर मैंने लिखा, कुर्सी और पैसा मेरी किताब है, तो उसको देखा कि भाई पैसे के द्वारा सब कुछ हो रहा है, न्याय भी बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, न्याय ना, न्याय का पलड़ा बहुत भारी होता है, न्याय अगर न्यायपालिका में भी अगर पैसा घुस गया तो फिर इंसान का वजूद क्या रह जाएगा। अभी आपने किताबों के बारे में जानकारी दी, अब हम चाहेंगे सम्मान के बारे में भी कुछ प्रकाश डाल। मुझे अगणित सम्मान मिले, जो है सो मैंने सचिदानंद सिन्हा सम्मान, यानी जैसे कि पटना में मुझे जो है सो
जिला हिंदी साहित्य, बिहार हिंदी साहित्य सम्मान और नटवर स्मृति सम्मान, मैंने मुझे कई मैंने अगणित सम्मान मिले और अगणित जो है सो हमारे पास में मेरी अलमीरा भरी हुई है सम्मान पत्रों से और मोमेंटो से, है कि नहीं, वो भरी हुई है। अकेला जी अभी आप भी महसूस कर रहे होइएगा, मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि साहित्यकार बढ़ रहे हैं, रचनाएं लिखी जा रही हैं, लेकिन साहित्यिक पुस्तकों को, साहित्य रचनाओं को पढ़ने के पाठक घट रहे हैं, ऐसा क्यों? प्रभावित है कि एक छोटा बच्चा भी 7-8 बरस का है, वो भी हमेशा चाहता है कि मोबाइल को कान में दबाए रखे, हमेशा उसमें फोटो देखते रहे, सिनेमा देखते रहे, अश्लील पिक्चरें देखते रहे, गंदी हरकतें देखते रहे, और इसके कारण जो है तो लोग माने ऊंचे दर्जे की जो पुस्तकें हैं, जो बहुत ही ज्यादा जो पुस्तकें हमारे लिए, हमारे नैतिक स्तर को बढ़ाने के लिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की जो धरोहर है, रामायण महाभारत गीता तुलसीदास कृत रामचरितमानस वाल्मीकि कृत रामायण या जो भी वेद व्यास मुनि के द्वारा रचित है ना महाभारत गीता, इस सारी की सारी चीजें जो है और लोग जो है उसको उसकी ओर लोगों का रुझान कम हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण लोगों ऐसी ऐसी चीजें। फिर भी हमें उम्मीद है कि जिस तरह की किसान जो है अनावृष्टि पर भी खेत रोपना बंद नहीं करता है, उससे उम्मीद रहती कि वर्षा होगी, मुझे उम्मीद है कि जरूर आने वाली एक समय आएगा जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हो जाएगा और फिर पुनः जो है सो हम हमारी भावी पीढ़ी अतीत की ओर लौटेगी और लोग पुनः जो है सो अच्छी अच्छी किताबों को, ऊंचे दर्जे की पुस्तकों को का अध्ययन लोग करेंगे। ईश्वर कहे कि आपकी सोच सफल हो। मैंने देखा है कि आप किताबों में पढ़ा है कि आप अंग्रेजी के विद्वान रहे हैं, एमए पीएचडी रहे हैं, फिर आपको बीएड और एलएलबी करने की क्या जरूरत पड़ गई? हमने यह सोचा कि बीएड या एलएलबी इसलिए मैंने किया कि शिक्षा के प्रति मेरे मन में एक शुरू से ही एक ललक थी, शिक्षा के प्रति मेरे मन में एक प्रेम था और मैंने सोचा कि मैं बीएड मतलब बेहतर डिग्री इन एजुकेशन, तो अभी मैं जो है सो किसी प्लस टू स्कूल में मैं जा सकता था या एलएलबी के द्वारा जो है सो मैं अधिवक्ता बन सकता था, लेकिन मूल कारण है कि हमको शिक्षा के प्रति प्रेम था, मैं ज्ञानार्जन के करना चाहता था कि मैं बीएड भी कर लूं, एमएड भी कर लूं, एलएलबी भी कर लूं, जितना अधिक से अधिक मैं ज्ञानार्जन कर सकूं, मेरे मन में ज्ञानार्जन की पिपाशा थी, तो इसलिए मैंने इन प्रोफेशनल डिग्री को भी मैंने लिया और इधर मैंने एमए पीएचडी कर करके मैं कॉलेज में प्राध्यापक हो गया, विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा मैं प्राध्यापक हुआ और जो है सो मैं तब से और फिर मैं स्नातकोत्तर विभाग का अंग्रेजी विभाग का अध्यक्ष बना और मैंने कितनी अंग्रेजी में भी मैंने किताबें लिखी जिनको पार्दन बहुत कठिन था, उस स्थिति में वो हमारे हमारा साथ निभाई, पीएचडी करने में खर्च बहुत लगते थे लेकिन वह जो है सो हमको हिम्मत दी, उसके हिम्मत के सहारे मैंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया और इसलिए माता पिता और पत्नी इन तीनों इन सबों का योगदान जो है मेरे भविष्य में रहा। अब अखेला जी आपके बारे में चर्चा है कि आप प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, तो ये तीन गुण जो आपके साहित्य में है, तीनों गुणों पर एक एक रचना में सुनना चाहूंगा। अच्छा मैं सुनाता हूँ, सुनाइए। यह कविता एक इस कविता से यह मेरा प्रेम झलकता है, मैंने किसी मैंने अपना प्रेम है ना अपनी पत्नी के प्रति या मैंने अर्पित किया है, मैंने मैंने लिखा है जिंदा हूँ तेरी यादों के सहारे, क्यों न झील मिलाते तारों से तेरा पता पूछा जाए,
तू आ या न आ, फिर भी तेरी यादों के दीप जलाया जाए। जिंदा हो तेरी यादों के सहारे, क्यों झिलमिला के तारों से बिना फटा पूछा जाए। चारों तरफ सन्नाटा है, कोहरा घना छाया हुआ, क्यों न भला उन्हें नींद से जगाया जाए। तू तो यूं ही बार बार तुनकती है, मेरी चाह है तेरी जुल्फों की लटों से खेला जाए। जिंदा हूं तेरी यादों के सहारे, क्यों न झील मिलाते तारों से तेरा पता पूछा जाए। तू मुझे बुरा कहे या भला, हम चाहते हैं क्यों न तुझे ओठों से लगाया जाए। लेटा हूं तेरी यादों के सहारे, क्यों न पल पल रफ्ता रफ्ता तुझे पुकारा जाए। जिंदा हूं तेरी यादों के सहारे, क्यों न झील मिलाते तारों से तेरा पता पूछा जाए। लेटा हूं तेरी यादों के सहारे, क्यों न पल पल रखता रखता तुझे पुकारा जाए। समा की लो प्यार की परछाई बन, आंख मिचौली कर रही, बीते पल को याद कर क्यों न तुझे सीने से लगाया जाए। बढ़ती जाएगी मोहब्बत की ये दौलत यारों, दोनों हाथों से इस खजाने को लुटाया जाए। जिंदा हूं तेरी यादों के सहारे, क्यों न झील मिलाते तारों से तेरा पता पूछा जाए। या तो प्रेम बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये प्रेम की कविता थी। अब प्रकृति और सौंदर्य की कविता सुनाइए। अब सौंदर्य पर एक कविता। तेरी मुस्कान जैसे विदुभाल पर एक अमिट रेखा, जैसे नयन धनु की प्रत्यंचा जो प्रेमी को वेधती, हो जाती अंतर ध्यान तेरी मुस्कान। वाह। तेरी मुस्कान जैसे हो विहक कलरव, अलियों का गुंजन, दुल्हन की मांग पर सिंदूर की रेखा। तेरी मुस्कान जैसे हो वासंती रंगों की फुहार, सरिता के वक्ष पर लहरों की क्रीड़ा। तेरी मुस्कान जैसे हो मेरे जीवन की हलचल, रोम रोम में भरती प्रतिपल एक द्युति एक कर्तव्य। ठार सी गई थम सी गई जिंदगी मेरी वही, मैं ठगा सा देखता रहा वो खींच गई एक रेखा, जैसे हवा का हो एक झोंका। वो मुस्कान जो प्यार भरी थी, वो थी एक मुख आमंत्रण जो अग्नि से अंबर तक खींच गई, स्मृति की एक रश्मि रेखा, जो अग्नि से अंबर तक खींच गई, स्मृति की एक रश्मि रेखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक प्रकृति पर एक कविता। सुन रहा था सरिता की मंद मंद मृदु लहर, सुन रहा था सरिता की मंद मंद मृदु लहर, न जाने क्यों उसकी धवल तरंगे देख मन मेरा मटक उठा। सरिता की ध्वनि क्या कह रही थी, जीवन के मीठे सपने यूं ही सुनाए जा रही थी। गम तो कुछ है नहीं, बेकार मानव गमों को ढोता है, जिंदगी को क्यों खुशी के साथ पेचोर मस्ती उम्मीद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए आगे। इसी बीच चांदनी आई मृदु चंचला, डालने लगी स्निग्ध फुहारे सरिता में, और छोर लहराए नैनों के श्याम रंग और भी गजब ढाए। मैं देखता रह गया यह अपूर्व समन्वय, क्षितिज के किस किनारे मैं न जाने चला गया। जीवन क्या है शायद ऐसा सोचता मैं रह गया, जीवन क्या है शायद ऐसा सोचता मैं रह गया। बहुत अच्छा, आपने प्रकृति प्रेम और सौंदर्य तीनों की अच्छी रचना सुनाई, बहुत अच्छा लगा। अकेला जी, आपने हमारे चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।